बीसियों सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। लेकिन आज के जो सूत्र है वो जिंदगी का फंक्शनल हिस्सा है। आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है उसका एक हाइपोथेसिस होता है और उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है। तो आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है। इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र भागवती जी का। भागवती जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्व के हैं, सभी महत्व के। उन 7000 में से मैंने कुछ चुनकर निकाले हैं जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्व के हैं। हो सकता है 3500 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्व के हो और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्व के ना हो, क्योंकि भागवती जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों की जीवन शैली है। आपकी जीवन शैली और ऋषि मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है। तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्व का क्रम देता हूं, उसमें सबसे पहला सूत्र, संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे। वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। आपने खाने को खाया ये इतना महत्व नहीं है, जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज्यादा महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर्य मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे। तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया। तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे, इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषमवारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से पहला सूत्र भोजनांते विषमवारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते, भोजन अंते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषमवारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है। ये सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है ये बात वो कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवती जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, जठर आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है भागवती जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि, जठर अग्नि, जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है, वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। ये है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई, और भागवती जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में, तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई, अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, तो क्या हुआ, अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी गया इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर भागवती जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने बीसियों सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी, फिर और ज्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है, जहां स्थान मिलता है वहीं जाती है। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको, चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है, कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवती जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे, 103। सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मूड़व्याध, भगंदर, ये सब रोगों की सूची है। और अंत का एक रोग है कैंसर, कर्क रोग, 103वें नंबर पर उन्होंने लिखा है कर्क रोग, माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायु पैदा हो और वो वायु आपके सड़े हुए भोजन में से निकले, और बाद में भागवती जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भोजन में से, भागवती जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल,
अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको हानि पहुंचाता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, खराब कोलेस्ट्रॉल माने LDL और उसका छोटा भाई VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो भागवती जी कहते हैं कि ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है। इसका माने जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं, माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं।